T20 वर्ल्ड कप में अभी 4 महीने का समय है, लेकिन टीम अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। आगामी T20 विश्व कप यानी T20 वर्ल्ड कप 2022 अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा। इस बीच सबके मन में एक ही सवाल है कि इस मेगा इवेंट में टीम के विकेट कीपर कौन होंगे। इस समय भारत के पास ऋषभ पंत, ईशान किशन, संजू सैमसन और दिनेश कार्तिक के रूप में 4 विकेटकीपर मौजूद हैं, लेकिन दावेदारी सबसे मजबूत ऋषभ पंत की ही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संपन्न हुए घरेलू T20I सीरीज में रोहित शर्मा और केएल राहुल की गैर मौजूदगी में पंत को टीम मैनेजमेंट ने कप्तान बनाया था। इससे आप पंत के कद का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन और ईशान किशन और दिनेश कार्तिक के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आगामी T20 वर्ल्ड कप में पंत के जगह पर सवाल खड़े होने लगे हैं। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा कि अगर पंत को T20 वर्ल्ड कप में मौका ना मिले तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी। क्रिकबज पर बात करते हुए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में ऋषभ पंत ना खेले। जब नेहरा से ये पूछा गया कि क्या भारतीय टीम ऋषभ पंत के बिना T20 वर्ल्ड कप खेल सकती है, इसके जवाब में नेहरा ने कहा, जी हाँ, ऐसा हो सकता है, टीम किसी के बिना भी वर्ल्ड कप खेल सकती है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टाम्प लगी हुई है कि ये खेलेंगे ही खेलेंगे। दूसरी बात ये कि ऋषभ पंत के साथ ही नहीं बल्कि ये बात भी है कि चोट किसी को भी लग सकती है। भारत को वर्ल्ड कप से पहले दर्जनों मैच खेलने हैं। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप इनमें से किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप के लिए विकेट कीपर के तौर पर चुनना पसंद करेंगे, ऋषभ पंत, ईशान किशन, संजू सैमसन और दिनेश कार्तिक। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबर और रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहें चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।